इस बीच अतीक और अशरफ ने मरने से पहले पुलिस को ये बताया था कि उनके कहने पर उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले शाइस्ता से सभी शूटर्स उसके चकिया वाले घर पर एक साथ मिले थे और वहीं पर शाइस्ता ने अपने पर्स से पैसा निकालकर सभी शूटर्स को दिए थे। उस वक्त असद भी साथ में मौजूद था और टूटे हुए घर पर सभी को बुलाने का मकसद था कि सभी को ये याद दिलाना कि ये साम्राज्य उमेश पाल की वजह से कम हुआ है और इसलिए शूटर्स काम करने को मना ना करें। यहीं पर उमेश पाल की हत्या के प्लान को ऑपरेशन रेड नाम दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले तमाम शूटर्स शाइस्ता परवीन से मिलने यहीं पर आए थे। अतीक का ये वो घर है जो यूपी की योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था और यहीं पर तमाम शूटर्स अंतिम बार शाइस्ता से मिलने आए थे और शाइस्ता ने सभी को इस टूटे हुए घर को दिखाते हुए कहा था कि तुम्हें इस टूटते हुए साम्राज्य का बदला लेना है। उस वक्त असद भी शाइस्ता के साथ मौजूद था। यहीं पर ही शाइस्ता ने तमाम शूटर्स को पैसे दिए थे, आईफोन दिया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये शाइस्ता का वो बैग है जिसमें वो पैसे लेकर आई थी और यहीं पर ही अंतिम बार शाइस्ता तमाम शूटर्स से मिली थी और सभी को पैसे दिए गए थे। इसके साथ साथ सभी को आईफोन जो है वो दिया गया था और यहीं पर ही इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड रखा गया था। चूंकि पुलिस की जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड रखा गया था और इसके साथ साथ अंतिम लोकेशन तमाम शूटर्स की यहीं पर मिली थी और यहीं पर ही तमाम शूटर्स को हथियार दिए गए थे, पैसे दिए गए थे, आईफोन दिया गया था। और आपको बता दें कि सभी ने यहां पर आकर शाइस्ता से इस बात को लेकर वादा किया था कि वो उमेश पाल की हत्या करके इस टूटे हुए साम्राज्य का बदला लेंगे। आपको ये तस्वीरें दिखा दें कि ये चकिया का वही अतीक का घर है जिसको यूपी की योगी सरकार ने तोड़ दिया था और उसके बाद इसी घर के टूटने के साथ ही अतीक का साम्राज्य टूट रहा था और इसीलिए उमेश पाल की हत्या करना अब अतीक और अशरफ की उस वक्त मजबूरी बन गया था और इसीलिए कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए शाइस्ता परवीन ने सभी शूटर्स को यहां पर बुलाया था ताकि वो इस बात को लेकर कोशिश करें कि लोग जो शूटर्स हैं उनको कन्वेंस करें कि इस टूटे हुए साम्राज्य का वो हिस्सा हैं और अब इसका बदला लेना उनकी भी जिम्मेदारी है। और यहीं पर ही शाइस्ता परवीन ने पर्स के जरिए पैसे जो हैं वो निकाल के दिए थे। इसी पर्स में बताया जा रहा है कि पैसे थे और उसके बाद यहीं से ही जो है पैसे शूटर्स को दिए गए थे। तो फिलहाल जो आखिरी फुटेज पुलिस की और SIT को मिली है उसमें इन तमाम शूटर्स की जो लोकेशन है वो यहाँ की मिली है एक साथ की और अब ये फिलहाल कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन ने जो ऑपरेशन रेड का जो पूरा नाम दिया था वो भी यहीं से दिया था। कैमरा पर्सन दिवाकर साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, प्रयागराज।